हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, ओनली 137 डेज आर लेफ्ट फॉर एसएससी जेई एग्जाम 2023। क्योंकि अगर एसएससी जेई ने 9, 10, 11 का एग्जाम डेट स्केड्यूल किया है, तो इसका मतलब बस 137 डेज बचे हैं। तो अगर 137 डेज ही सिर्फ बचे हैं, 137 डेज बचे हैं, तो हमारी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि कल आप रिजल्ट देख चुके हो, रिजल्ट आया है। और अगर प्रिलिम्स में हाई स्कोर नहीं किया, तो मेंस में कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, कट ऑफ में नहीं आ पाएंगे। कट ऑफ बहुत ऊपर गई है, तो प्रिलिम्स में स्कोर करना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 140 प्लस के लिए स्ट्राइव करना बहुत जरूरी है। जिनका जीएस का पोर्शन नॉनटेक पे काम नहीं करते, उन्हें नॉनटेक पे काम करने की बहुत नीड है। क्योंकि अब जो कट ऑफ है वो बहुत ऊपर जाती है। वैकेंसी कितनी भी है, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। तो रिजल्ट तो आप देख ही चुके हैं, फिर से शुरू करना पड़ेगा तैयारी को। अब इस तैयारी को फिर से शुरू करना पड़ेगा। इस रेस में बहुत तरीके के लोग हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी तैयारी पे रखना है एकदम, उसको एकदम फर्स्ट क्लास करना है। प्रीलिम्स के लिए 140 मार्क्स के लिए स्ट्राइव करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग जो है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन हमेशा 80-20 रूल के हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। कि कुछ सब्जेक्ट हैं जो ज्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं, और कुछ सब्जेक्ट है जिनका वेटेज कम है। तो सबसे पहले उन सब्जेक्ट को करना है जो ज्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं। और उन सब्जेक्ट में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो उसी सब्जेक्ट में से आज हम सबसे पहले सब्जेक्ट उठा रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल की बात करेंगे। तो बिल्डिंग मटेरियल में भी कुछ टॉपिक है, वैसे तो सब पढ़ना है भैया। अब अगर कट ऑफ इतनी ऊपर जा रही है, तो छोड़ तो कुछ नहीं सकते, लेकिन पहले थोड़ा सा वो टॉपिक्स कर लो जो ज्यादा वेटेज के हैं, फिर उसके बाद जो कम वेटेज के हैं उनको करो। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो बिल्डिंग मटेरियल में सबसे पहला टॉपिक है हमारा सीमेंट। सीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीमेंट की बात करें तो उस पर लेक्चर भी चल रहे हैं। कल ही सीमेंट, परसों सीमेंट पे एक लेक्चर डाला था। आज बॉक्स कंपाउंड, बॉक्स प्रॉपर्टीज पे हम लेक्चर डालेंगे। तो सीमेंट का लेक्चर चल रहा है। सीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं पर अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट है वो है कंक्रीट। कंक्रीट थर्ड वन इज, थर्ड टॉपिक की अगर हम बात करें तो टिम्बर। टिम्बर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कंक्रीट, सीमेंट, टिम्बर। फोर्थ अगर हम बात करते हैं तो ब्रिक और स्टोन मेसोनरी। ब्रिक एंड स्टोन मेसोनरी, इसी से आधा कवर हो जाता है, मतलब सिलेबस इसी से सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। स्टोन एंड ब्रिक मेसोनरी क्या हो गया, सीमेंट, कंक्रीट, टिम्बर, ब्रिक एंड स्टोन मेसोनरी। फिर अगर हम बात करते हैं तो लाइम, फिर अगर हम बात करते हैं तो लाइम, जो लाइम है हमारा, लाइम, मोर्टार, लाइम एंड मोर्टार। अगर वहीं पे फिर बात करें, अगर हम ये सब है ना प्रायोरिटीज वाइज उनको नंबरिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले सीमेंट, कंक्रीट, टिम्बर, ब्रिक मेसोनरी, फिर अगर है तो लाइम, फिर आता है उसका नंबर हमारा है एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स भी, जो उसमें फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट, इनकी प्रॉपर्टीज और डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीगेट्स। फिर वहीं पे अगर हम अब बात करें, तो अब उसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्टील। स्टील, फिर हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट है पेंट। पेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंट्स, वार्निशेस। फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है बिटुमिन के मटेरियल। ये जो हमारा हाईवे का पॉइंट होता है ना, जिसमें हाईवे मटेरियल भी पढ़ते हैं, तो अगर इस टॉपिक को कवर करते हैं तो फिर हमारे दोनों सब्जेक्ट के, क्योंकि बिटुमिन मटेरियल के बारे में पढ़ोगे तो उसके टेस्ट भी पढ़ लो, तो हाईवे मटेरियल का भी एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बिटुमिन मटेरियल, तो ये जो कुछ टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सीमेंट की, अगर हम सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले सीमेंट को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। सीमेंट, कंक्रीट ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ छोड़ नहीं सकते। जैसे सीमेंट में सबसे पहले कंपोजिशन हो गया, जिसमें लाइम, मैग्नीशिया, सिलिका, एल्यूमिना, इन सब का जो कंपोजिशन है, एल्कलीज क्या होते हैं, कैंसर ऑफ सीमेंट किसे कहा जाता है, तो ये उसके कंपोजिशन पढ़ने होते हैं। कंपोजिशन पढ़ने के बाद हम उसके बॉक्स के कंपाउंड जो है, बॉक्स कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बॉक्स कंपाउंड पूछ उनका जो है सीधे पूछ लेता है कि चार चारों को दे देते हैं, C3S, C2S, C4AF, सेलाइट, बेलाइट, फेलाइट, ये सब दे देते हैं। और पूछते हैं रेट ऑफ हाइड्रेशन से इनको अरेंज करो, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन से इनको अरेंज करो। तो बॉक्स कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर टाइप्स ऑफ सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें बॉक्स कंपाउंड पता है, तो हम टाइप्स ऑफ सीमेंट में किसका प्रोपोर्शन ज्यादा ये पूछ लेते हैं। जैसे क्विक सेटिंग सीमेंट हो गया, या फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गया, आजकल सल्फोनिक सीमेंट। तो ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट है, उनमें क्या किसका कंपोजिशन ज्यादा है, किसका कंपोजिशन कम है, ये भी देखना है। फिर वहीं पे बात आती है, तो हमारे टेस्ट जो होते हैं सीमेंट के, टेस्ट हैं, टेस्ट को भी बहुत पूछते हैं कि क्या किस तरीके के टेस्ट हम उस पर परफॉर्म करते हैं। सेटिंग टाइम जो होता है उनको भी पूछा जाता है। सेटिंग टाइम और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीमेंट का तो ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जैसे हम छोड़ सकते हैं। वहीं पे इसका जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर होता है, मैन्युफैक्चरिंग का जो मैन्युफैक्चरिंग की वेट प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करते हैं, तो क्या स्टेप होता है, ड्राई प्रोसेस स्टेप क्या होता है, क्लिंकरिंग टेम्परेचर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस पूछते हैं। तो मतलब सीमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अगर हम बात करते हैं सीमेंट के बाद, अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो है हमारा कंक्रीट। कंक्रीट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आफ्टर सीमेंट। तो सीमेंट के बाद अगर बात करते हैं तो कंक्रीट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कंपोजिशन पूछ लेते हैं, पहली बात तो ये पूछ लेते हैं कि किस किस का कंपोजिशन से हमारा कंक्रीट फॉर्म होता है, ये किस तरीके से डिफरेंट है। तो कंपोजिशन पूछ लेते हैं, वहीं पे ये पूछ लेते हैं कि M5 कंक्रीट, M10, M20, M15 है तो क्या कंपोजिशन, नॉमिनल मिक्सिस का कंपोजिशन क्या होगा, तो ये भी पूछते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कंक्रीट में, तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मेंस के भी एग्जाम में आया था कि वर्केबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है, तो वर्केबिलिटी को पूछ लेते हैं, कंक्रीट की वर्केबिलिटी पूछते हैं। फिर क्या क्या फैक्टर्स इसे अफेक्ट करते हैं इसको पूछ लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है। वहीं पे वर्केबिलिटी से रिलेटेड टेस्ट भी आते हैं कि टेस्ट क्या क्या कर सकते हैं, जो टेस्ट हमारे होते हैं, जैसे स्लम टेस्ट हो गया, स्लम टेस्ट हो गया हमारा। फिर उसके बाद वी बी टेस्ट जो पूछते हैं। फिर उसके बाद कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट पूछ लेते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट वर्केबिलिटी के टेस्ट होते हैं, सम टेस्ट में जो जो कॉम्पैक्शन फैक्टर है, स्लम टेस्ट है, जो उसकी जो वैल्यू होती है कि अगर 0.78 दिया है तो किस तरीके का डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होगा, तो ये सब भी पूछते हैं। कॉम्पैक्शन टेस्ट हो गया, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। तो उसके बाद ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कंक्रीट में पूछा जाता है कि वाटर के प्रेजेंस में, जो वाटर और सीमेंट का रेशियो है, जो वाटर सीमेंट का परसेंटेज है, वो किस तरीके से इसको इफेक्ट करता है। उसके बाद अगर इसमें बात करें तो क्यूरिंग का जो मेथड है, क्यूरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस पूछ लेते हैं, एडवांटेजेस पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो ये जो क्यूरिंग पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाइब्रेटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेटर्स को भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से वाइब्रेटर्स हम यूज करते हैं कंक्रीट में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेटर्स को पूछ लेते हैं। सो कंक्रीट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम सीमेंट के बाद बात करें तो कंक्रीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टिम्बर। आफ्टर कंक्रीट अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो है टिम्बर। टिम्बर में भी बात करें तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री, कि एंडोजीनस है कि एक्सोजीनस है, किस तरीके का प्लांट है, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री की बात करते हैं तो उसमें डेसिडियस है या एवरग्रीन ट्री है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज और उनकी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैम्बू किस वाले कैटेगरी में आता है, ये वाले जो पॉइंट होते हैं इसको देखना है। उसके बाद जो बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्री, तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्री में वो वाला जो पॉइंट होता है जिसमें एक ऐसा सर्कल बना रहता है और अंदर पिथ होगा, फिर उसके बाद हार्ट होगा, देन मेडुलरी रिंग्स होंगी, इनर बार, कैम्बियम कैम्बियम लेयर, सैप, इन सब के जो फंक्शन है उसको पूछता है। और स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्री पूरा बाय हार्ट याद होना चाहिए, पूरा कि पिथ का क्या काम है, हार्ट वुड का क्या काम है, सैप वुड, कैम्बियम लेयर, इनर बार्क, इन सब का क्या काम है। वहीं पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पूछते हैं फेलिंग ऑफ ट्री की, कब हम पेड़ को काटते हैं, हिली एरियाज में कब काटा जाता है, प्लेन एरियाज में कब काटा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर, डिफेक्ट्स इन अ टिम्बर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे तो क्वेश्चन हर बार ही आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन फॉर प्रिलिम्स एंड मेंस पूरा लिखने को आ जाता है कि नेचुरल फोर्सेस के कारण क्या डिफेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट्स के कारण क्या डिफेक्ट्स आते हैं। वहीं पे अगर बात करते हैं हम सीजनिंग की वजह से क्या डिफेक्ट आते हैं, तो वो जो बो काओ स्टार शेक्स ये सब जो होते हैं कटिंग के वजह से क्या डिफेक्ट्स आते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिफेक्ट्स है उनको भी, डिफेक्ट्स है उनको भी पढ़ना है। फिर वहीं पर अगर बात करते हैं डिफेक्ट्स हो गया तो उसके बाद प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं और मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन कौन कौन से यूज किए जाते हैं टिम्बर में, प्रिजर्वेशन इन अ टिम्बर और मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन इन अ टिम्बर की बात करें जाए या मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिजर्वेशन। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड ये प्रिजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की दूसरी बात करें तो वो है हमारा सीजनिंग, कि सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्यों की जाती है, सीजनिंग कितने परसेंट तक सीजनिंग करनी चाहिए, टाइप्स ऑफ सीजनिंग, सीजनिंग ऑफ अ टिम्बर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि नेचुरल सीजनिंग कितने प्रकार के हैं या फिर आर्टिफिशियल सीजनिंग, तो टाइप्स ऑफ सीजनिंग, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेथड्स ऑफ सीजनिंग, कितने तरीके के मेथड्स होते हैं सीजनिंग के और उनके क्या डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी देखना है। अगर उसके बाद हम बात करते हैं तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ क्वेश्चन मोस्टली आ जाते हैं लेकिन मतलब एक बार देख लेना है, ये भी बहुत पूछ लिया है, कभी कभी क्वेश्चन इसके आ गए हैं, मार्केट फॉर्म ऑफ टिम्बर, इसमें वो वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर 230 mm का विड्थ है और थिकनेस है 50 mm की, तो वो क्या होगा, डील होगा कि बोर्ड होगा, बॉल्क होगा, लॉग होगा, प्लैंक कैसे होते हैं। तो मार्केट फॉर्म ऑफ टिम्बर, कि टिम्बर को जो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बेचते हैं, तो उसकी जो विड्थ है, उसकी जो डायमेंशन है, वो बहुत पूछते हैं, वो भी आपको याद रखनी है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो वो वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, प्लाईवुड और वीनर्स के बारे में जो पूछते हैं, प्लाईवुड, प्लाईवुड एंड वीनर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टिम्बर्स। तो प्लाईवुड और वीनर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज और इनकी जो डायमेंशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे गुड क्वालिटी क्या होनी चाहिए टिम्बर की, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टिम्बर, कंक्रीट और सीमेंट में से एक भी पॉइंट को नहीं जोड़ना है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं अगर हम इनकी बात करें तो।
वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर टिम्बर ब्रिक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि ब्रिक और ब्रिक मेसोनरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया इसमें, कि कंपोजिशन क्या होता है. एक अच्छा ब्रिक बनाने का जो कंपोजिशन है, जैसे हम सीमेंट में कंपोजिशन देखते हैं उसी तरीके से एल्यूमिना, सिलिका, लाइम, आयरन, इन सबका जो क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए, इनके ज्यादा, जैसे सीमेंट में देखते हैं कि एक्सेस होने पे क्या प्रॉब्लम होती है, या फिर उनकी वैल्यू अगर जो परसेंटेज गिवन है उसमें कम हो जाएगी तो क्या वैल्यू होगी, और कंपोजिशन देखना है. उसके बाद अगर हमें कुछ देखना है तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखने की, अगर किसी की परसेंटेज ऊपर नीचे होती है तो किस तरीके का क्लासिफिकेशन होता है ब्रिक्स का. वेल, अगर वहीं पे हम बात करते हैं तो जो पूरा प्रिपरेशन होती है हमारे, प्रिपरेशन की किस तरीके की मोल्डिंग करनी चाहिए और कैसे बर्निंग होना चाहिए, तो किस तरीके की मोल्डिंग, कम से कम टेबल मोल्डिंग तो होनी चाहिए गुड अर्थ ब्रिक के लिए, हैंड मोल्डिंग, और फिर मशीन मोल्डिंग कितने तरीके की होती है वहीं पे. फिर वो जो प्रिपरेशन के स्टेप होते हैं कि मोल्डिंग किया, उसके बाद ड्राइंग किया, ड्राइंग क्यों नेसेसरी है, बर्निंग से पहले ड्राइंग क्यों नेसेसरी है, बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिर जब बर्निंग करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बर्निंग कर सकते हैं, क्लीन में बर्निंग कर सकते हैं और डिफरेंट क्लैंप में बर्निंग कर सकते हैं. तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ना पता होना चाहिए, कि बर्निंग के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है. वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो कि गुड क्वालिटीज ऑफ, अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो उसकी गुड क्वालिटीज और स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या कैसी क्या क्या गुड क्वालिटीज होनी चाहिए. वहीं फिर जैसे हमने सीमेंट में देखा था कि डिफरेंट टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं, वैसे ब्रिक्स पे जो डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसको देखा जाएगा. फिर क्लासिफिकेशन की बात करें कि फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड क्लास ब्रिक की, थर्ड क्लास ब्रिक की, तो डिफरेंट जो हमारी ब्रिक्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे. वेट क्या होना चाहिए, और जो उनकी डायमेंशन है कि डायमेंशन कैसी कैसी होनी चाहिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स को भी देखना है. कॉपिंग ब्रिक्स, काउनोज ब्रिक होती है, हॉलो ब्रिक्स की क्या क्वालिटी है, पेविंग ब्रिक्स की क्या क्वालिटीज हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स को भी देखना है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स क्लासिफिकेशन में आ गया वैसे ये. वेल, अगर वहीं पे बात करें ब्रिक मेसोनरी में, तो जो ब्रिक मेसोनरी टॉपिक है उसमें हमें ये देखना है कि इंग्लिश ब्रिक, पहले तो सबसे पहले ये डायग्राम्स के संग याद करने हैं कि क्वीन क्या होता है, किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, बैट हमारा, और स्ट्रेचर, हेडर, वेवल्ड क्लोजर, मिटरेड क्लोजर, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्लोजर से किंग क्लोजर, तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो क्लोजर्स हैं वो याद करना है, बैट याद करना है, उनके डायग्राम भी याद करना है. उसके बाद वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो जो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, डच बॉन्ड, तो ये जो डिफरेंट बॉन्ड्स है हमारे ब्रिक मेसोनरी में, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से वन एंड हाफ ब्रिक वॉल बनती है, तो कौन सी ब्रिक चाहिए, कौन सा वाला मेसोनरी यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को भी हमें देखना है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस लाइम, अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो लाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में पूछते हैं कि बल्किंग ऑफ सैंड का रीजन क्या है, और कितने परसेंटेज तक वाटर होगा तो बल्किंग ऑफ सैंड हो जाएगी. तो ये एक सॉइल मैकेनिक्स का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बल्किंग ऑफ सैंड पूछता है, क्लासिफिकेशन पूछता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पूछता है लाइम के. तो अगर लाइम और मोर्टार को सेम देखा जाए तो मोर्टार में भी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन दोनों में पूछा जाएगा कि किस तरीके का, लाइम में कितने तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं, वहीं पे सेम सिमिलरली मोर्टार में भी कितने तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं. वहीं पे अगर हम टेस्ट की बात करें तो इसमें भी टेस्ट पूछा जाएगा, यहाँ पर टेस्ट पूछा जाएगा. यहीं पे अगर हम लाइमस्टोन की बात करते हैं तो लाइमस्टोन में क्या है कि ये पूछते हैं कि प्योर लाइम किससे बनता है, सी सेल से बनता है कि कंकड़ से बनता है, वहीं हाइड्रोलिक लाइम होता है एक, प्योर लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, और इनका यूज कहाँ पर है, वहीं पे एक पुअर लाइम होता है, इनका यूज क्या है, इसमें कितना परसेंटेज ऑफ लाइम होता है, ये किस तरीके से कंकड़ से होते हैं, स्लैकिंग लाइम क्या होता है, स्लैकिंग क्या होती है, कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होती है, तो ये सब जो कुछ टर्म है ये लाइम से बहुत इंपॉर्टेंट है. वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक में स्टील इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब उतना तो नहीं लेकिन हाँ स्टील से क्वेश्चन आ जाते हैं. तो पिग आयरन क्या होता है, अगर स्टील की बात करें तो स्टील में पिग आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन क्या होता है, रॉट आयरन क्या होता है, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन क्या होता है, इसमें कितना कितना कार्बन का परसेंटेज होता है, कौन प्योर फॉर्म है, स्टील में कितना परसेंटेज होता है, सब में कार्बन के परसेंटेज पूछते हैं, उसका यूज पूछते हैं. फिर एक हीट ट्रीटमेंट होता है कि हीट की ट्रीटमेंट, एनीलिंग क्या होती है, या फिर अगर एयर में ठंडा किया तो क्या होगा, वाटर में ठंडा किया तो क्या होगा, तो हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील पूछते हैं. वहीं पर अगर हम बात करें तो एलॉय ऑफ स्टील भी आजकल बहुत पूछे जाने वाला टॉपिक में से है. स्टोन्स रॉक्स भी देख लीजिएगा, इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, और सेडिमेंट्री रॉक इनके एग्जाम्पल क्या है, इनके कुछ एग्जाम्पल जैसे ग्रेनाइट हो गया बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंडस्टोन हो गया, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये बीएमसी में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप हमेशा स्टार्ट करें सीमेंट से, आपको चाहे तो सीमेंट का लेक्चर आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर पढ़ा है. वहीं पर फिर कंक्रीट, टिम्बर, तो अभी हम सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल को ही कवर कर रहे हैं, तो जोर शोर से तैयारी में लग जाना है क्योंकि 137 डेज ही बचे हैं. तो एक बार और अपना फिर से बेस्ट देते हैं और इस बार ज्यादा प्रीलिम्स में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए स्ट्राइव करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द चैनल, आई होप आपको इससे कुछ तो हेल्प मिली होगी. थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.